हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड जो कि अभी गर्मी के दिनों में बहुत ही कॉमन है, क्योंकि अभी जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो गई है आप लोगों में से बहुत ही पेट पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा होगा कि मतलब उनका डॉग जो है वो गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने कुछ इससे रिलेटेड बात भी किया था कि मैंने अगले टॉपिक क्या सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। तो बस वही टॉपिक इस वीडियो में आपको कंटिन्यू किया जाएगा, और ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट टर्म में कंप्लीट करूं, क्योंकि आप मुझे जैसा ऑडियंस रिटेंशन मिल रहा है उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि आप लोगों का मतलब 2 से 2.5 मिनट तक का वीडियो को आप इंटरेस्ट से देखते हो, उसके बाद आप वीडियो स्किप कर देते हो। इससे क्या होता है कि ना आपको पूरी तरह से नॉलेज मिल पाता है और ना मुझे मतलब अच्छी तरह से समझाने में मतलब एक क्लियरिटी मिल पाती है। तो प्लीज़ आप एक ही वीडियो देखें लेकिन उसे कंप्लीट देखें, ताकि आपको उस चीज़ से मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज का वीडियो जो होने वाला है वो डॉग के पेट को कैसे ठंडा रखें, इस टॉपिक से होने वाला है। क्योंकि आप अगर डॉग के बॉडी की बात करें, एक्सटर्नल बॉडी को, तो आप AC, कूलर जैसा आपका बजट है उस हिसाब से अपने डॉग को रख सकते हैं। लेकिन आप अगर उनके पेट को ठंडा कर रखने की बात करें तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टर्म आ जाते हैं कि आप किस तरह से उस अपने डॉग को का केयर कर सकते हो इस पॉइंट से रिलेटेड। तो बेसिकली आपको जो करना है, नॉर्मली आपको बहुत लोग बताते होंगे गर्मी के दिनों में दही दीजिए, दलिया दीजिए, ये सब ठीक है, लेकिन दही देने का तरीका भी कुछ एक होना चाहिए जिस कारण से आपका डॉग मतलब आपके डॉग के पेट को वो रियली में ठंडा कर पाए। क्योंकि आप तो बाहर से वो उस चीज़ को खिला देते हो लेकिन आपको मतलब रियली में पता नहीं होता कि आपके डॉग के बॉडी में वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। कई बार हमारे फ्रेंड्स क्या करते हैं कि वो अपने डॉग को मतलब जैसे अगर दही देते हैं तो फुल क्रीम कट देते हैं, जैसे उसमें पूरा क्रीम रहता है। किसी पैकेट फूड जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि दही कट बनाती हैं, डायरेक्ट लाते हैं उसे खरीद कर उसमें डाल देते हैं। वो बहुत ही रॉन्ग वे है अपने डॉग को कट देने का, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा बटर है और वो जब डॉग खाता है तो उससे क्या होता है कि उसकी स्किन इन्फेक्शन की तो बात दूर गई, उससे उसको उल्टा उसके बॉडी में हीट होने लगता है। क्योंकि मक्खन घी जो होता है वो गर्म तासीर का होता है गर्मी के दिनों में खासकर, और वो अनरिफाइंड फैट होते हैं जो कि अच्छी तरह से रिफाइंड नहीं किए गए होते हैं। अपने घर में जो मतलब हमारे घर में नॉर्मली अगर देसी घी जो बनता है उसे अच्छे से मतलब आग पर बहुत देर तक पकाया जाता है, लेकिन जो दही होता है उसमें जो फैट होता है, जो मक्खन होता है, उसे वो पका हुआ नहीं होता, जिसके कारण डॉग को डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत होता है और डॉग के बॉडी में एक अगेंस्ट हीट तैयार कर देता है, बॉडी में और गर्मी ले आता है। इसके लिए आप जब भी अपने डॉग्स को दे अगर दही देते हो तो उसे विस्क करके दो, उसे अच्छे से फेट कर दो, जिसके कारण क्या होगा कि उसका जो कर्ड है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉली मॉलिक्यूल्स में होता है, वो ब्रेक हो जाएगा, जिससे कि डॉग डाइजेस्ट भी कर ले, उसके बॉडी में ठंडक भी आ जाए। लेकिन अगर मेरी मानो तो मैं तो कभी डॉग को कर्ड डायरेक्ट देने की सलाह ही नहीं देता हूँ, और ना ही खरीदा हुआ कर्ड। आप घर में बनाइए, आपको उससे सस्ता भी पड़ेगा, उससे बहुत ही सस्ता पड़ेगा। और क्या कीजिए कि मतलब उसका पूरा क्रीम निकाल के फिर सिर्फ जो मिल्क बचता है सिर्फ उसका कर्ड बनाइए। वो क्या करेगा कि डॉग के बॉडी को ठंडा रखेगा, और उस बहाने आप डॉग को मतलब उस दही को बहुत ही पतला करके दीजिए ताकि डॉग इजीली डाइजेस्ट भी कर ले। अब बात करते हैं कि क्या कुछ अपने डॉग को खिला सकते हैं जिससे कि अपने डॉग मतलब हमारे डॉग का स्टमक बहुत ही ठंडा रहेगा। एक इसके इस वीडियो के लास्ट में बस एक ही मिनट के बाद मैं आपको एक ऐसा बोनस टिप दूंगा जो कि अगर आप उसे अच्छे से ध्यान में रखते हो और उसे यूज़ करते हो तो आपको मतलब वो ऐसा फ़ायदा मिलेगा जिससे कि आपको बहुत सारी मेडिसिन है लेकिन वो भी उसके पीछे छूट जाएगा, और वो सबसे अच्छा, क्योंकि मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया है अभी तक कंटिन्यू गर्मी के दिनों में। तो मेरे डॉग के अगर डाइट हो तो उसमें एक टाइम का तो कन्फर्म है कि मैं वो चीज़ देता ही हूँ अपने डॉग को। तो सबसे पहले बात करें, आप अपने डॉग में एलोवेरा यूज़ कर सकते हो, नेचुरल है। आप उसे पीस कर उसके बीच के छाल को निकाल कर उसे पीस कर और उसमें पानी मिलाकर अपने डॉग को पिलाइए। हल्का मिश्री का पाउडर डाल सकते हैं, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन आप डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका डॉग उसे पी भी सकता है, नहीं तो आप उसे सिरिंज में करके या उसे डायरेक्ट उसके उसके माउथ में डाल दीजिए। उससे क्या होगा, उसका पेट बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। मैंने तो कई बार ऐसा देखा है कि डॉग को सर्दी भी हो जाती है उसके कारण, इतने गर्मी में भी। तो आप वो देकर ट्राई कर सकते हो। और जो मैंने बोनस टिप की बात की थी वो है आपका स्टोन एप्पल, जिसे बेल बोलते हैं, बेल का फल गर्मी के दिनों में बहुत ही कॉमन है। अब उसका शरबत बना के बिना चीनी का, बहुत ही लाइट, अगर आपको डालना है तो मिश्री पाउडर एक चुटकी मात्र डालिए और अपने डॉग को बेल का शरबत दीजिए। उसमें बीज वगैरह जो होते हैं निकाल के उससे क्या होगा कि आपके डॉग के बॉडी में फाइबर की भी कमी पूरी हो जाएगी और आपका डॉग हेल्दी भी रहेगा, और पेट तो अब मतलब देते के साथ ही आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप ट्राई करके देखिए, अगर आपको इसका रिजल्ट मिलता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मतलब मैं जो आपको टिप्स बताता हूँ वो कितने कारगर होते हैं
और कितना किस हद तक वो डॉक्स में यूज़फुल हो पाते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और आगे आप शेयर कीजिए क्योंकि गर्मी के दिन है और पेट लवर के ऐसे भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिन्हें डॉग पसंद करता है, उन्हें तो इंसान पसंद करेंगे ही। तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनके पास डॉग होगा, तो आप उन्हें शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का हेल्प मिल सके और साथ में कुछ हमारा भी हेल्प हो जाए। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।